सबको जय सु। सभी युवा भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको इस युवा तरंग कार्यक्रम से जोड़ के रखा है। जुड़े रहिए। हमारे जीवन में जब परेशानी आती है, दुख पीड़ाएं आती हैं, हम टूटने लगते हैं, और विशेष करके आप युवा कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही निराश हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रेरणा देते हैं। ये बताते हैं, घबराओ मत, आगे बढ़ो। आज हम वचन सुनेंगे फादर प्रज्ञान से। ध्यान से सुनिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही सलामत हैं। बहुत सारे लोग हैं मातृधाम आश्रम में आते हैं प्रार्थना करने के लिए। कुछ लोगों को पता नहीं रहता कि मातृधाम आश्रम कहाँ पर है, इसलिए फ़ोन करते हैं और कहते हैं हमें प्रार्थना के लिए जाना है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि प्रार्थना के लिए आपको कहाँ जाना है, क्योंकि रिट्रीट सेंटर अलग अलग स्थानों में है। तो कुछ लोगों को पता रहता है मातृधाम आश्रम, कुछ लोगों को पता नहीं रहता है। तो मैं उनको पूछता हूँ, क्या मातृधाम आश्रम में आना है? तो वे कहते हैं हाँ, मातृधाम आश्रम में आना है। तब मैं उनको बताता हूं कैसे आना है। और ऐसे कुछ लोग हैं, वे जानते हैं मातृधाम आश्रम, नाम से जानते हैं, लेकिन उनको कैसे आना है नहीं पता। तो उनको मैं कैसे आना है बताता हूं जब फोन करके पूछते हैं। इसी तरह हम देखते हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ना है तो एक गोल होना है। अगर जितने लोगों को मातृधाम आश्रम में आना है, अगर उनको पता नहीं रहता मातृधाम आश्रम में जाने के लिए, तो फिर कैसे आएंगे? अगर उनको नहीं पता रहता मातृधाम आश्रम का नाम, तो फिर आएंगे कैसे? हो सकता है वे ट्रेन में बैठेंगे, फिर कहां जाएंगे कोई अता पता नहीं रहेगा। हम इन दिनों सुनते हैं सोनू कुमार के बारे में, जो कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा लड़का 11 साल का। वो 11 साल का बच्चा है, लेकिन वो 30 से 35 बच्चों को पढ़ाता है। उनके परिवार में उनका जो पापा है शराब पीता है, परिवार तंगी से गुजर रही है। और इस 11 साल के उम्र में वो बच्चों को पढ़ाता है और उसे जो भी पैसा मिलता है उसका परिवार के लिए इस्तेमाल करता है। वह सनू को किसी ने पूछा कि आप क्या बनोगे, आईएएस बनोगे? तो उसने कहा, मैं आईएएस नहीं बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा। अपना मकसद पूरी तरह क्लियर है, तनिक सा भी डाउट नहीं है।
वो सनु जो कि आईएएस बनना चाहता है, इस छोटे से उम्र में चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए जाता है साइकिल से और गुहार लगाता है और मिलता है, वापस आता है, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक गरीब परिवार का लड़का, छोटा सा, बड़ों को ऐसे परिस्थितियों का सामना करने में कितना तकलीफ होता है, इतना छोटा बच्चा यह सब कर सक रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद जो है वो पक्का है, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वो इधर उधर नहीं देखता, अपनी गोल की ओर बढ़ रहा है, अपने मकसद की ओर बढ़ रहा है। हम देखते हैं सुसमाचार में, लूकोस के सुसमाचार अध्याय 2 में, प्रभु यीशु के जमाने में पास्का पर्व के लिए लोग यरूशलेम जाया करते थे, और जब प्रभु यीशु 12 साल के थे, माता मरियम, योसेफ और प्रभु यीशु प्रथा के अनुसार यरूशलेम जाते हैं पास्का पर्व के लिए। पास्का पर्व के बाद जब वे लौट रहे थे तो माता मरियम, योसेफ सोचते हैं कि यीशु यात्रियों के बीच में होंगे, और वे एक दिन की यात्रा पूरी करते हैं। उसके बाद यीशु को ढूंढने लगते हैं, यीशु दिखाई नहीं देते, फिर वे वापस यरूशलेम में चले जाते हैं और वहां 3 दिनों के बाद यीशु को मिलते हैं। यीशु मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठकर सवाल और जवाब कर रहे थे। माता पिता उनको देखकर चकित हो जाते हैं। माता मरियम कहती है, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखिए, आपके पापा और मैं दुखी होकर आपको ढूंढते रहे। तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, मुझे ढूंढने का क्या जरूरत था? प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? प्रभु यीशु का मकसद साफ साफ था, उनको पता था कि उनको क्या करना है, उनको पता था कि उनको कहां पर जाना है। उनके आंखों के सामने उनका जो गोल है, उनका जो मकसद है, दिखाई दे रहा था। इसलिए प्रभु यीशु यूहन के सुसमाचार अध्याय 4:34 में कहते हैं, मुझे जिसने भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसके कार्यों को पूरा करना, यह मेरा भोजन है। यानी प्रभु यीशु साफ साफ अपने मकसद को देखते हैं, जानते हैं क्या करना है, कहां पर जाना है। मेरे प्यारे युवा साथियों, हम में से ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको कि अभी तक पता नहीं होगा कि आगे बढ़कर क्या करना है, जिंदगी में क्या करना है। अगर आप पूछेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे जॉब करना है, जॉब तो करना है, उसके लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या जॉब करना है? जनरली सब बताते हैं कि जॉब करना है, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है। जॉब करना है तो कितने प्रकार के जॉब मिलते हैं, अब किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अब क्या बनना चाहते हैं? अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको कैसा जॉब करना है, अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको किस प्रकार का जॉब करना है, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? अगर आप तैयारी नहीं करेंगे अच्छा से, तो आपको जॉब कैसे मिलेगा? और यही कारण है कि कुछ युवा साथियों भटकते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, पढ़ाई करने के बाद भी उनको सफलता हासिल नहीं होता, पढ़ाई करने के बाद भी कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलता, क्योंकि वे अपने मकसद को नहीं देखे, क्योंकि वे अपने मकसद नहीं जानते, अपने गोल की ओर नहीं देखते। जो अपने मकसद को देखता है, जो अपने गोल को देखता है, उसके बारे में सोचता है, सपना देखता है, वह अपने मकसद में पहुंचता है, अपने मकसद को हासिल करता है। कहा जाता है
कि सोने के बाद जो सपना आता है वो सपना नहीं होता, सपना वो होता है जो सोने नहीं देता। जिनका गोल होता है, जिनका मकसद होता है, वे जागते हुए भी सपना देखते रहते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या करना है, किस प्रकार मेहनत करना है। वे ढूंढते रहते हैं, दूसरों को पूछते रहते हैं कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हम सबके जीवन में मकसद होना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ लोग जानते हैं कि उनके जीवन में क्या करना है, लेकिन वे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कभी कभी वे सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। संत पौलुस ऐसे लोगों को कहते हैं, फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना हमारा कर्तव्य है। हो सकता है हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हो सकता है हम कैपेबल हैं, हो सकता है हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु को जगह देते हैं, प्रभु सब कुछ सही समय में कर देता है। ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंट है, अच्छा मार्क रखे हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलता, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने ऊपर निर्भर करते हैं, अपने बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, अपने शक्ति पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो प्रभु को जगह देता है, प्रभु जिनके जीवन में कार्य करता है, लेकिन जो प्रभु को जगह देते हैं, प्रभु को पहला स्थान देते हैं, उनके जीवन में सही समय में सही चीज हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज आप लोगों से मेरा यह निवेदन है, अगर आप में से कोई अभी तक अपने गोल के बारे में नहीं सोचा है, अपने मकसद के बारे में नहीं सोचा है, आगे क्या करना है नहीं सोचा है, अगर ऐसे कुछ लोग हैं, तो यह समय है, इस वक्त निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है भविष्य में। इस वक्त एक डिसीजन लीजिए कि मुझे आगे क्या करना है। अगर आप निर्णय नहीं लेंगे, अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए निर्णय लीजिए, अपने गोल को देखिए, अपने मकसद को देखिए, जागते हुए देखिए, सोते हुए देखिए, तब अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें आशीष दे, हमारे जीवन में प्रभु कार्य करे। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं भटकता रहता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन कमी कहां पर है मुझे पता नहीं चलता, मेरी मदद कर, मेरे साथ रह, पवित्र आत्मा को भेज, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, ताकि मैं अपने भविष्य में मेरा जो मकसद है उसको हासिल कर सकूं। हमारा ईश्वर प्यार करने वाला ईश्वर है, हमें समझता है, वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें क्या चाहिए। आइए हम उस प्रभु पर निर्भर रहे और मेहनत करते रहे। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को खोलिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जो तेरे पवित्र वचनों को सुन रहे हैं। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु यीशु, जीवन की कठिन परिस्थितियों में, ऐसे समयों में जब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी होती हैं, जब हमें लगता है कि हम लोग टूट रहे हैं, निराश हो रहे हैं, ऐसी समय में भी तू सदा हमारे साथ रहता है, विश्वास करने के लिए मेरी कृपा दीजिए। तू एक ऐसा ईश्वर है जो सदा हमारे साथ रहता है।
मेरे छोटे भाइयों को साहस देना यीशु, ऐसी परिस्थितियों में तेरे सानिध्य पर विश्वास करने के लिए, ये विश्वास करने के लिए तू उनके लिए कार्य करेगा, उनको कृपा देना। हर प्रकार की निरुत्साहित करने वाली बातों से उन्हें बचा के रखना, संसार हमें निरुत्साहित करता है, ऐसे लोगों और परिस्थितियों से उन्हें बचा के रखना यीशु, उनके विश्वास को दृढ़ करना यीशु, अपने विश्वास के द्वारा जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए सामर्थ्य देना यीशु। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दें। आमीन। जय सु भला।